सिविल इंजीनियर्स ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डोर्स, टाइप्स ऑफ डोर्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। इसके हिसाब से हम डोर्स के बारे में आज जानने वाले हैं। डोर्स बोले तो अभी हम लोग दरवाजा, जैसे भी घर में कोई भी एंट्री के लिए, घर के अंदर के रूम्स के एंट्री के लिए, सबके लिए हम लोगों को डोर्स की जरूरत रहती है। मेनली डोर्स का फंक्शन क्या है कि एक किसी भी घर को, बिल्डिंग को एक्सेस दे, अलग अलग एरिया को एक्सेस देना, और एक्सेस जहाँ नेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है वहाँ इसके हिसाब से एक्सेस कभी क्लोज कर देना, मतलब डोर चालू रखना या फिर डोर बंद रखना अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू स्पेस। अभी नंबर ऑफ डोर्स अपने घर में, जैसे एक प्रैक्टिकल हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ डोर्स एक घर में मिनिमम होने चाहिए, और साइज ऑफ डोर जो भी है वो उसका डायमेंशन वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए कि वो उसका प्रॉपर यूज उसके हिसाब से हो। अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका साइज ऑफ डोर 0.9x2 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी अगर ज़्यादा डोर्स कहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे बड़े साइज के डोर्स जो मेन एंट्रेंस रहता है, बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस जो है वहाँ हम लोग बड़े वाले डोर्स मतलब मेजर डोर्स बोलते हैं उसको, मेन डोर वहाँ प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते उसका व्यू भी अच्छा हो, आर्किटेक्चरल अपीयरेंस भी अच्छा हो। अभी मिनिमम साइज के डोर हम लोग बाथरूम में, पार्टीशन में, टॉयलेट में यूज करते हैं। अभी उसमें उनका साइज क्या रिकमेंड किया है, 750 mm x 1900 mm, मतलब 0.75 m x 1.9 m। ये एक थंब रूल के हिसाब से है, हाइट ऑफ डोर जनरली ए 1 m मोर देन इट्स विड्थ, मतलब डोर का जो भी विड्थ है उससे उसका हाइट 1 m ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम, एक स्टैंडर्ड टाइप का एक थंब रूल है। तो इस हिसाब से डोर्स का फंक्शन कहाँ यूज होते हैं, उसका साइज क्या क्या होता है, कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, साइजेस छोटे डोर, मेन डोर, बड़े डोर, उसके हिसाब से हम देखते हैं। अभी डोर्स के बहुत सारी वैरायटीज है, डोर्स की, विंडोज की, जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करके इसको बनाते हैं। अभी मेनली कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसके हिसाब से ये उसका फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम देखेंगे। मेनली टाइप ऑफ मटेरियल कौन कौन सा है उसके हिसाब से जो डोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे टिम्बर और वुड डोर्स। टिम्बर और वुड डोर्स, जैसे भी आप साइड में स्केच देख रहे हैं, एक वुडन डोर है, टिम्बर डोर है, इसके हिसाब से हम देखेंगे। ये टिम्बर और वुड डोर जो है वो एक ट्रेडिशनल डोर है, जो भी पुराने जमाने से यूज किया जाता हुआ एक डोर है, ये ज्यादातर घरों में या फिर रेसिडेंशियल एरिया में यूज किया जाता है। और उसका मेन एडवांटेज है कि ये लोकली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और जनरली लोकल कारपेंटर्स, लोकल वर्कर्स जो भी है उनके थ्रू बनाया जा सकता है, मतलब मटेरियल भी अवेलेबल है, वर्कर भी अवेलेबल है, इजीली बनाया जा सकता है। इसके अलग अलग वैरायटीज भी अभी मौजूद है मार्केट्स में, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके पैनल के हिसाब से, और इकोनॉमी के हिसाब से या बजट के हिसाब से भी अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के वुडन या टिम्बर डोर भी अवेलेबल है। ये जनरली घर के सारे लोकेशन में यूज किए जा सकते हैं, मेनली फिर भी ज़्यादातर एक्सटर्नल या मेन डोर जो रहता है वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं,
बट घर के सारे हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी टिम्बर ऐसा है, एक मोर कॉमन मटेरियल है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, जैसे दरवाजे हो, खिड़की हो, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे डोर है तो डोर फ्रेम भी टिम्बर का बनता है, डोर पैनल भी बनता है, पूरा डोर भी बनता है, ये पूरा टिम्बर का ही इस्तेमाल करके बनता है। अब ये दूसरा है बैटनड एंड लेज डोर्स। जैसे आप साइड में स्केच देख रहे हैं, बैटन्स है और साइड में क्रॉस ब्रेसिंग्स है, इसमें इसके हिसाब से ये आप देख सकते हैं। अभी बैटनड, ये बैटनड और लेज डोर है, सिंपल टाइप का डोर है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के वुडन बैटन्स होते हैं, उसके साथ ही 35 एमएम थिकनेस का एक प्लाई या वुडन ये रहता है, और उसके में ग्रूव्स भी रहते हैं। ये देखिए, ये इधर प्लाई है पूरा, इसमें साइड में ग्रूव्स है, ये पट्टी है, ये ब्रेसिंग भी है, ये लेजेस जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं हम लोग, ये इधर लेजेस है, एक दो तीन लेजेस है, ये लेजेस तीन रहते हैं, उसमें दो, एक टॉप में, एक बॉटम में और एक मिडल में, जनरली तीन टाइप के रहते हैं, और उसमें एक ऐसा ब्रेसिंग टाइप रहता है, जैसे ये एक और ये दो ब्रेसिंग रहते हैं, इसमें रिजिडिटी आती है, अपीयरेंस भी अच्छा आता है। और ये जनरली ज़्यादातर टॉयलेट्स, बाथरूम्स, मैक्सिमम जगह टॉयलेट्स बाथरूम्स की जगह यूज़ किया जाता है, और ये जहाँ मतलब इकोनॉमी या बजट डोर की रिक्वायरमेंट होते वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अभी तीसरा है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स। अभी फ्रेम्ड और पैनल्ड डोर्स ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज किए जा सकते हैं। एक साइड का स्केच आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर्स। इसका फ्रेम मेनली वुड का बनाया हुआ रहता है, और शटर पैनल जो भी है वो टिम्बर का, प्लाईवुड का बनाया रहता है, या फिर ब्लॉक बोर्ड है, वो हार्ड बोर्ड है, इससे बनाया रहता है। और इसका डिज़ाइन एक जैसे लुक चाहिए आपको, इस हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसे पैनल हो गया, सिंगल पैनल, डबल पैनल, या फिर अलग टाइप का एक डेकोरेटिव, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका डिज़ाइन है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये पैनल्स वुडन का भी हो सकते हैं, ग्लास का भी हो सकते हैं, और जहाँ ये डोर्स का पैनल वुडन पैनल है, कहीं आधा ग्लास का रहता है, आधा वुडन का भी रहता है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे पार्टली ग्लास और पार्टली वुडन है तो ग्लेज टाइप इसको कहा जा सकता है। ये डोर्स इसका मतलब डिज़ाइन थोड़ा स्पेशल रहता है, और लुक्स के लिए, एस्थेटिक प्लेजिंग के लिए, मतलब अच्छा डेकोरेटिव के लिए और आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के लिए इसका ज़्यादातर यूज होता है। और ये ज़्यादातर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर ओनर जो भी जिसका भी घर है उसके रिक्वायरमेंट से, या फिर उसका डिज़ाइन, उसका लुक, उसके हिसाब से ज़्यादातर बनाया जाता है। और ये मेनली वुड का, टिपिकल मेनली वुड का ही बनाया रहता है, और मेटल सेक्शन भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टील हो गया और कोई मेटल हो गया, या फिर अगर ग्लेज्ड है तो पार्टली ग्लास पार्टली वुडन भी बनाया जा सकता है। इस टाइप से ये मिक्स टाइप का है। अभी उसके बाद है फ्लश डोर। फ्लश डोर देखिए, ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला डोर है, इसमें स्केच में आप देख सकते हैं। ये फ्लश डोर एकदम स्मूथ, एक प्लाईवुड का एक टाइप का एक डोर है, सबसे ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया में ये बनाया जाता है, मेनली जैसे मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड या फिर टिम्बर जो भी 35 mm या फिर अलग थिकनेस का जो प्लाई रहता है उससे ये बनाया जाता है। और इसमें एक होलो कोर ऑप्टेन किया जाता है, जैसे कार्डबोर्ड से फिल करके उसको एक बनाया जाता है। फ्लश डोर ज़्यादातर इंटीरियर्स, घर के इंटीरियर्स के लिए यूज होता है, और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटीरियर के लिए भी यूज़ होता है।
ये फ्रेम्स इसके डोर्स का मेनली वुडन फ्रेम ज़्यादातर यूज होता है, स्टील का भी थोड़ा इस्तेमाल होता है, इसके लिए थोड़ा वेट भी रहता है इसका। और ये हिंज दोनों साइड के, इसका हिंज दो बहुत साइड, इधर हिंजेस देख रहे हैं आप, ऐसे इस टाइप के हिंजेस रहते हैं जो मतलब एक साइड में उसको ओपन करने के लिए, डायरेक्शन में ओपन करने के लिए ज़्यादातर रहते हैं। ये आजकल ज़्यादातर रेसिडेंशियल एरिया में, हाउसेस में ये फ्लश डोर का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, थोड़ा बजटेड डोर्स है। इसके साथ ही इसका लुक भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और दिखने में भी वो मतलब अपीयरेंस बहुत ही बढ़िया है, और इकोनॉमी भी है, और सबसे बढ़िया चीज़ मार्केट में अवेलेबिलिटी भी उसकी अच्छी तरह से, मतलब बहुत अवेलेबिलिटी ये भी मात्रा है, बहुत है, इजीली अवेलेबल है। ये जनरली टॉयलेट और बाथरूम में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता, अगर अगर इसका इस्तेमाल किया है तो उसको इनर साइड से एल्यूमिनियम या फिर कुछ मेटल का एक शीट लगा देते हैं, ताकि वो जैसे बाथरूम और टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो एल्यूमिनियम पट्टी वगैरह कुछ मेटल लगाने से वो उसका प्रोटेक्शन होता है फ्लश डोर का। वुडन अगर प्लेन लगाएंगे तो वो वुडन डोर खराब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी इसका फ्रेम्स जो है वो एक ट्रेडिशनल टाइप के फ्रेम्स रहते हैं, जैसे वुडन का, जैसे मेनली आप देख सकते हैं इधर एक ट्रेडिशनल टाइप का फ्रेम बना रहता है, उसका साइज 75mm, 40mm या फिर जो भी दिया हुआ एक्चुअल उसके हिसाब से बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल फ्रेम्स रहता है। उसके बाद एक ग्लास डोर, इधर आप साइड में देख सकते हैं एक ग्लास डोर, जैसे इधर फ्रेम है, बीच में ग्लास लगा के रखा है ये। लेकिन जनरली ये ग्लास डोर ज़्यादातर ऑफिस यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है। इसमें पैनल्स टाइप भी रहता है, जैसे दो या तीन पैनल रहते हैं, और ये स्पेसिफिक जैसे रिक्वायरमेंट है ओनर्स की मेनली, उसके हिसाब से ही ज़्यादातर इसका यूज होता है, ज़्यादा कमर्शियल या ऑफिस स्पेस के लिए। रेसिडेंशियल में इसका यूज बहुत ही कम होता है, और ये अगर रेसिडेंशियल में है तो भी कुछ लग्जरियस रेसिडेंस हैं तो उसका घर के बैक साइड में या फिर बैक साइड में गार्डन वगैरह, जहाँ आपको बाहर का एरिया विजिबल हो, उस जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। फ्रंट डोर में ग्लास का डोर, जहाँ मेन डोर के बाद अगर कोई फ्रंट डोर है वहाँ भी इसका कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका प्राइवेसी और उसका ड्यूरेबिलिटी का केयर रखना पड़ता है, क्योंकि इसका फ्रंट डोर में ग्लास का रखना मतलब वो फुली ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए प्राइवेसी की वजह से वो केयर लेके यूज करते हैं मेनली, इसलिए ऑफिसेस में ज़्यादातर यूज करते हैं। ग्लास पैनल के जैसे एक या दो टाइप के पैनल्स रहते हैं, इसके बाद ये वुडन फ्रेम रहता है साइड का, वुडन फ्रेम, वो फ्रेम की वजह से और ये इसकी ग्लास अंदर के होने की वजह से इसका अच्छा लुक आता है या फिर एस्थेटिक लुक आता है। लेकिन इस डोर का ये जो भी इस हम लोग बैठाते हैं या फिर करते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और हैंडलिंग केयर मतलब केयर हैंडल विथ केयर बोलते हैं, वैसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। ये थोड़े कंपैरेटिवली फ्लश डोर या फिर बाकी वुडन डोर है उससे कॉस्टली है और थोड़े हेवियर भी है, तो इसलिए ओनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसको लगाया जाता है या फिर यूज किया जाता है। अभी हम आगे का देखेंगे स्टील डोर, जिसे स्टील डोर इधर साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं। स्टील डोर मेनली कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर बैंकिंग सेक्शन ये जगह पे ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये ज़्यादातर मेनली एक्सटीरियर या इंटीरियर के लिए भी है, एज वेल एज ये थोड़ा सेफ्टी जाना है, लॉकर वगैरह है ऐसा कुछ है तो उस जगह पे ज़्यादातर यूज किया जाता है, मतलब सेफ्टी या फिर उसका लॉकर है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, स्ट्रॉन्ग रूम ऐसा कुछ हेवी ये रहता है, तो वहाँ ये स्टील डोर का ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसमें एक
लकड़ी के लिए सब्सटीट्यूट बोल के स्टील का यूज करते हैं। इसमें चैनल्स, टी प्रेस्ड स्टील प्लेट्स, होल्ड पास, हिंजेस, ये सब वेल्डिंग करके, फ्रेम को वेल्डिंग करके, स्टील का फ्रेम रहेगा तो उसको वेल्डिंग करके फिक्स करते हैं। इसमें स्टील फ्रेम को कभी कभी, मतलब अगर है तो वुडन शटर बैठा सकते हैं, बट रेयर केस में है। मेनली स्टील फ्रेम से ज्यादातर पॉपुलर है और ये ज्यादातर हाउस के लिए इकोनॉमी से ज्यादा ज्यादा कंसिडर, बजट की ज्यादा लुकआउट नहीं होता तो वहाँ ही ये यूज करते हैं, कि जहाँ की कन्वेंशनल की बजाय हम लोग स्टील डोर यूज करते हैं। वो डिपेंड अपॉन द ओनर्स रिक्वायरमेंट। इसका शटर जो भी रहता है वो एमएस स्टील का रहता है और मेनली आयरन फ्रेम जो रहता है, एंगल, चैनल सेक्शन या फिर वो पूरा ब्रेसिंग किया हुआ रहता है। ये स्टील डोर जो भी रहता है वो हाई क्वालिटी ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का रहता है और उसको अच्छी तरह से फैब्रिकेशन करके, तैयार करके मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। इसका शेड्स या फिर डिजाइन जो भी है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है। अब यह मेनली सिक्योरिटी जहाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, स्ट्रॉन्ग रूम, लॉकर, बैंक्स, इंडस्ट्रियल लॉकर, इनर साइड लॉकर, जहाँ सिक्योरिटी मेन है वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। अब ये पीवीसी डोर, आजकल पीवीसी डोर का भी ज़्यादातर यू इस्तेमाल होने लग गया है। इधर साइड में आप स्केच में देख सकते हैं, पीवीसी डोर एक कॉमन टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक टाइप का डोर है, प्लास्टिक मटेरियल है। जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे वाटर टैंक्स, पाइप्स, फिटिंग्स, इसके हिसाब से ये प्लास्टिक टाइप का डोर है। थोड़ा लाइट वेट रहता है और ये आजकल ज़्यादातर पॉपुलर होने लगा है क्योंकि इसका वैरायटी भी अलग टाइप अवेलेबल है। इसके साथ ही कलर्स, डिजाइंस, लुक्स, उसका ये बहुत टाइप के मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी है। इसका एडवांटेज मैंने, टर्माइट प्रूफ है ज़्यादातर इसको, कि या फिर ये करोजन इस टाइप नहीं होता, ज़्यादा चलने वाला भी है, एंटी करोजन भी है, मेनली लाइट वेट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और ये इजीली फैब्रिकेट करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली एंट्री डोर के लिए सूट नहीं है, एज वेल एज लाइट वेट होने की वजह से ये वेदर प्रूफ नहीं है जैसे कि वुडन और मेटल डोर रहता है, और ये एनवायरमेंटल हर कंडीशन के लिए भी सुटेबल नहीं है। ये डोर मेनली मार्केट में अवेलेबल है जो इकोनॉमी जहाँ कंसिडर की जाती है कंपेयर टू वुडन डोर, वहाँ ये इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसका आजकल विंडोज भी यूज होता है, पीवीसी विंडोज, पीवीसी प्रोडक्ट्स का जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। अब ये फाइबर ग्लास डोर, जैसे आप साइड में स्केच में देख सकते हैं, फाइबर ग्लास डोर, इसमें एक ऐसा एक अलग टाइप का एक फाइब्रस फॉर्म वुवन है, क्लोथ है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग लाइट और नॉन फ्लेमेबल हाई स्ट्रेंथ वाला टाइप का ये डोर है। इसमें ग्लास फाइबर्स भी रेजिन के साथ बॉन्ड करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर ये करते हैं, ग्लास फाइबर्स और रेजिन्स उसके हिसाब से। इसका जब इसमें ज़्यादातर ये कहा बाथटब डोर्स, विंडोज, इसमें भी ये मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ये बहुत टाइप का हार्डन टाइप का, मतलब हीवी वेट टाइप का डोर है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कम है एज कम्पेयर टू वुडन और स्टील। ये बहुत ही स्टेबल है, ज़्यादा ब्रेक नहीं होता और ये ट्विस्ट भी नहीं होता। इसका फोम फिल्टर और एक अच्छा इंसुलेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से कम्पेयर टू वुडन और मेटल डोर। इसका पेंटिंग वेंटिंग जो भी है वो एज पर डिज़ाइन होता है और ये फाइबर ग्लास का जो भी डोर्स या विंडोज है इसमें अलग टाइप के पैनल्स भी दिए जाते हैं, इसके डिज़ाइन के हिसाब से पैनल देते हैं, उसका लुक इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन भी देते हैं और इसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपन ओनर्स रिक्वायरमेंट और ओनर्स चॉइस। ये
वो एक्सटीरियर डोर के लिए अलग टाइप्स के आप एक्सटीरियर डिजाइन ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें ग्लास है, डोर डोर स्टाइल्स है, अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ये डोर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो भी है, जो एज पर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से इसको आप ये मिल सकता है। अब ये फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डोर्स, जैसे FRP डोर्स, इसका भी आजकल इस्तेमाल ज्यादा होता है। साइड में आप स्केच देख सकते हैं। ये फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डोर्स को इन शॉर्ट FRP डोर बोलते हैं। मेनली ये रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक एंड फाइबरस ग्लास, इसका कॉम्बिनेशन होता है ये फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डोर्स। इसका मेनली स्ट्रेंथ हाई रहता है और ज्यादातर होने की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस भी है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ PVC से भी 10 गुना ज्यादा रहती है। और FRP मॉडल जो डोर है वो अलग अलग कलर्स में, फिनिशेस में अवेलेबल है, और इसमें नेचुरल वुड फिनिश जो मार्केट में है वो भी अवेलेबल है। मतलब नेचुरल वुड फिनिश का जो मार्केट में है उसके हिसाब से भी ये मिलते हैं। मेनली इसका थिकनेस जो भी 30 से 35 mm तक रहता है, और ये इसको एक अच्छा सा फायर रिटार्डेंट है। ये डोर को जनरली 2 लीव्स 1.5 mm के थिकनेस के रहते हैं, और ये मोल्डेड रहते हैं। मेनली कोर मटेरियल फॉर्मिंग सैंडविच पैनल, जैसे अंदर में ये रहता है, दोनों के इसमें सैंडविच पैनल रहता है। इसमें वुडन सपोर्ट जो भी रहता है वो हैंडल्स, लॉक, स्टॉपर्स, ये सारे अदर एक्सेसरी भी साइड से प्रोवाइड की जाती है। ये FRP डोर को आजकल बहुत ही डिमांड है, और नए घर जो भी मॉडर्न हाउसेस है जहाँ आर्किटेक्ट अच्छा, इंटीरियर अच्छा है, इंटीरियर हाई लुक है, लग्जरीस है, वहां ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अभी एल्यूमिनियम डोर, इधर साइड में स्केच में आप देख सकते हैं, मेनली मेटालिक या फिर एल्यूमिनियम से बने रहते हैं, और ये एल्यूमिनियम मेटल का ज्यादातर यूज रहता है। ये लाइट वेट रहते हैं कम्पेयर टू अदर डोर्स, और इसमें अभी मार्केट में जो अवेलेबल है डोर्स, विंडोज, पार्टीशन, कर्टन, वॉल्स, ये सब एल्यूमिनियम के अवेलेबल है। इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज किया जाता है, और इसका मेनली एडवांटेज ये है कि सारे अलग टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस रहे वो सबको ये कर सकता है, मतलब बेयर कर सकता है, उसमें कुछ तकलीफ नहीं, इसको एल्यूमिनियम डोर को कुछ डैमेज नहीं होता, नुकसान नहीं होता। और ये लाइट वेट होने की वजह से ज्यादातर लोड नहीं आता, या फिर उसका लोड फ्लोर पे फाउंडेशन पे नहीं आता, और ये इसका मतलब टर्माइट से भी इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, और ये लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज्यादा ड्यूरेबल है। ये एल्यूमिनियम का जो भी डोर विंडो है ये साइड एंगल और स्लाइडिंग टाइप के रहते हैं, और नॉर्मल भी रहते हैं, और उसको मेनली सुटेबल एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों के लिए सुटेबल रहते हैं, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट। और मेनली ये एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजिंग है, और इकोनॉमिकल और ज्यादा ड्यूरेबल, मतलब ज्यादातर ये चलने वाले भी डोर्स है। तो ये टोटली एल्यूमिनियम का मेनली लाइट वेट है, कोई भी वेदर कंडीशन में वो अच्छा रहता है, ज्यादा ड्यूरेबल है और टर्माइट प्रूफ है, और ये प्लीजिंग और इकोनॉमिक प्लीजिंग लुक भी है और इकोनॉमिकल भी है और बहुत ड्यूरेबल भी है। अभी जितने भी हमने मेजरमेंट डोर्स के मेजरमेंट्स रहते हैं वो जनरली मेजरमेंट लेते समय हम क्वांटिटी सर्विंग में जैसे ही देखते हैं या फिर बिल्स में, तो ये पूरा स्क्वायर मीटर में देखते हैं डोर का साइज, जो भी विड्थ हाइट, और इसमें डोर्स का आइटम जो भी रहता है उसमें सारे एक्सेसरीज इंक्लूड रहते हैं, हिंजेस हो गया, बोल्ट्स हो गया, वो सारे जो होल्ड फास्ट हो गया वो सब,
और ये डोर फ्रेम एक अलग टाइप का ये रहता है। डोर फ्रेम जनरली रनिंग मीटर में रहता है। रनिंग मीटर मतलब जैसे अभी इधर आप देख सकते हैं, ये पूरा मतलब ये दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसा तीन टाइप रनिंग मीटर में ये रहता है। और उसका कैलकुलेशन जनरली क्यूबिक फीट में रहता है। जो भी वुडन रहेगा तो उसके लिए टिक फूड वगैरह फ्रेम वगैरह यूज करते हैं, या फिर अलग अलग कोई वुडन फ्रेम यूज करते हैं, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डोर्स का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।